नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप, मैं जिशान आपके साथ। और सबसे पहले इस बुलेटिन शुरुआत करेंगे। झारखंड में विद्युत आपूर्ति हुई नॉर्मल। जेबीवीएनएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वर्मा का बयान, डीवी से सभी विद्युत आपूर्ति हुई है सामान्य। केंद्रीय पुल से थोड़ी कम बिजली मिल रही है मगर झारखंड के लिए 1300 मेगावाट पर्याप्त है। सीएम के निर्देश पर हजारीबाग कोल लोडिंग की स्थानीय समस्या का समाधान किया गया है। झारखंड के किसी भी जिले में कहीं कोई पावर क्राइसिस अब नहीं होगी, तो राहत भरी खबर है। और राहत भरी खबर इसलिए भी क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और जैसा कि पहले पूर्व में सूचनाएं मिल रही थी कि हो सकता है इस फेस्टिव सीजन में बिजली आंख मिचौनी करे और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन राहत भरी खबर है सीएम के निर्देश पर हजारीबाग कोल लोडिंग की स्थानीय समस्या का समाधान निकाल लिया गया। कई समस्याएं आ रही थी जिनमें कि स्थानीय जो कोल मजदूर है और जो स्थानीय लोग हैं उनकी परेशानी की वजह से भी कोयले का उत्पादन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था और इस वजह से कहीं ना कहीं जितनी मात्रा में कोयला माइन से निकलना चाहिए था उस पैमाने पर कोयला माइन से निकल नहीं रहा था और पावर प्लांट तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो आशंका जाहिर की जा रही थी कि हो सकता है इस वजह से जो पावर क्राइसिस है वो देखने को मिले झारखंड में, लेकिन राहत भरी खबर बिजली विभाग की तरफ से कहा गया है कि झारखंड के लिए 1300 मेगावाट बिजली पर्याप्त है। सीएम के निर्देश पर भी हजारीबाग कोल लोडिंग की स्थानीय समस्याओं का समाधान किया गया है और ये एक अच्छी खबर है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी शहनवाज का, उनसे तमाम जानकारी लेते हैं। शहनवाज, जैसे ये सूचना मिली कि बिजली आपूर्ति झारखंड को कम होने वाली है और इस फेस्टिव सीजन में बिजली आंख मिचौनी कर सकती है, लोग कहीं ना कहीं थोड़े मायूस हो गए थे, लेकिन अब राहत भरी खबर क्राइसिस को दूर कर लिया गया ऐसा कहा जा रहा, पूरी जानकारी आप दे। देखिए, पूरी तरह से क्राइसिस अभी दूर नहीं हुई है, लेकिन हाँ, विद्युत आपूर्ति का जो एक संकट रेखा होती है वो अब थोड़ी सी मीट होती हुई दिखाई दे रही है। विद्युत आपूर्ति बढ़ी है, केंद्रीय पुल से भी बड़ी है, 1250 मेगावाट बिजली अभी झारखंड को मिल रही है। अभी अभी आज की और अभी की रिपोर्ट के मुताबिक, अभी अभी एक बैठक से मैं आ रहा हूँ मुख्यालय से, जहाँ की बैठक के बाद सारी सिचुएशन के आकलन के बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वर्मा डीवी जो उन्होंने ऐलान किया कि अब पहले और अब में काफी अंतर है और सिचुएशन को नियंत्रण में स्थिति आ गई है। बाढ़ एनटीपीसी से जो बहुत शून्य में चला गया था एक यूनिट, वहां से बहुत कम बिजली मिल रही थी, 20 मेगावाट मिल रही थी 82 की जगह पर, अब वहां से ठीक ठाक बिजली मिल रही है और उसके लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया पकड़ी बरवाडी कोल रैक में उठाव को लेके मजदूर हड़ताल पर थे और जहां से 11 रैक 12 रैक बिजली कोयला डेली सप्लाई होता था बाढ़ एनटीपीसी को, उसको रोक रखे थे उन्होंने, तो उसको ठीक कर दिया गया है, स्थिति तो बेहतर हो गई है। झारखंड की जो बिजली की समस्या है बहुत ज्यादा डिपेंड करती है बाढ़ पर, तो अब वहां से आपूर्ति करीब करीब समान हो गई है। चलिए, तो ये एक राहत भरी खबर है और इसका असर अब ये होगा कि जो बिजली आंख मिचौनी कर रही थी उससे थोड़ी बहुत राहत मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो जेबीवीएनएल के हैं उन्होंने कहा है कि पर्याप्त मात्रा में झारखंड को बिजली मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शहनवाज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।